मैं चाहता हूं अपनी बहन को कि मैं उसकी नफरत बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। नहीं बेटा, मैं इरम को और तुम्हारे भाई को कभी तुम्हारे माजी के बारे में नहीं बताऊंगी। अब तुम भी जरा नॉर्मल होने की कोशिश करो बेटा, घर से बाहर निकलो, कारोबार संभालो। कब तक अपने छोटे भाई पर सारे कारोबार का बोझ लाद कर रखोगे? मैं क्या करूं अभी, मैं क्या करूं, मेरा दिल ही नहीं लगता किसी काम में। बाहर जाता हूं तो मेरी निगाहें सिर्फ मरियम को ही ढूंढती रहती है कि किसी तरह वो मुझे एक बार मिल जाए और मुझसे माफी मांग लो। शायद मेरी तकलीफ कुछ कम हो जाए, शायद मेरी बहन दोबारा से पहले जैसी हो जाए, उसकी हंसी दोबारा से इस घर में गूंजने लगे। मैं जब जब घर लौटूं मेरी आंखों पर हाथ रखे और मुझसे पूछे कि पहचान है कौन। मैं जैसे ही उसको पहचान लूं तो वो मुझसे खफा हो जाए, मैं कोई सा लालच देकर उसको दोबारा मना लूं। या अल्लाह, बहुत तकलीफ में हूं मैं, कैसे बताऊं आप लोगों को। बचपन से सुनता आया हूं कि माजी कभी लौट के वापस नहीं आता, लेकिन मैं दिल से चाहता हूं कि मेरा माजी दोबारा लौट आए, फिर से मेरे घर में वही रौनक वापस आ जाए, फिर से मेरी बहन वैसी हो जाए जैसी वो कभी हुआ करती थी। आप बताएं, ऐसा हो सकता है? हो सकता है बेटा, उसमें बड़ी ताकत है, वो सहरा को सैराब कर सकता है, आबाद को बर्बाद कर सकता है। तुम रो रो कर गिड़गिड़ा कर उससे माफी मांगो, एक न एक दिन तुम्हें जरूर माफ कर देगा। बड़ा गफूर रहीम है बेटा। वो तो माफ कर देगा मुझे, मैं जब तक मरियम से माफी नहीं मांग लेता मुझे सुकून नहीं आएगा, मैं सुकून से मर भी नहीं सकता। कहाँ ढूंढूं उसे? नहीं बेटा, जब भी वो तुमसे मिलेगी इंशाल्लाह तुम्हें जरूर माफ कर देगी, मुझे यकीन है। चलो चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। सिकंदर आजम दुनिया का अजीम फातह था, थोड़ी ही उम्र थी कि वो रियासत मकदूनिया का बादशाह बन गया। इसने आधी से ज्यादा दुनिया फतह करके तारीख में बड़ा नाम पैदा किया। पुप्पो, फरियाल की मामा ने आपके इंसल्ट किए ना, मुझे फरियाल ने सब कुछ बता दिया कि उसकी मामा ने आपसे लड़ाई की है क्योंकि आपने मुझे फर्स्ट और फरियाल को सेकंड पोजीशन दी है, और इसीलिए सर ने आपको दोबारा रिजल्ट बनाने का कहा है। कोई बात नहीं, फर्स्ट फिर भी आप ही हो ना। भले मुझे फर्स्ट पोजीशन ना मिले, लेकिन फरियाल की मामा को आपसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। फरियाल ने मुझे बताया था कि उसकी मामा बहुत गंदी हैं, वो हर किसी से लड़ाई करती हैं, और वो समझती हैं कि आप मेरी फूफो हैं, इसीलिए आपने मुझे फर्स्ट और फरियाल को सेकंड पोजीशन दी है। लेकिन मुझे और फरियाल को पता है ऐसा नहीं है। फरियाल की सेकंड पोजीशन उसकी अटेंडेंस की वजह से आई है। फूफो, आपको फरियाल की मामा और सर को बता देना चाहिए था कि आपने चीटिंग नहीं की है और ना ही आप मेरी सगी फूफो हैं।
हम ना आइंदा ऐसे बिल्कुल मत कहना। आप भी तो सब कुछ हो मेरा, सखों से भी बढ़कर हुआ। आइंदा कभी मत कहना कि मैं आपकी फूफो नहीं। चलो अब जाके होमवर्क करो, मैं खाना लगाती हूँ फिर सो जाएंगे। सुबह वैसे ही टाइम से नहीं उठा जाता। मेरी आ रही खाने पर, मैंने उसको कमरे में ले जाकर खिला दिया था। तुम तो लो। नहीं बस मेरा दिल नहीं चाह रहा, खा चुका। ऐसे खाना खा चुके तुम? खाया क्या तुमने? सारा का सारा खाना वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ। चलो चावल निकालो, चिकन। जी मैं लेता हूँ। अच्छा वो किसी प्लास्टिक सर्जन से तुम्हारी बात हुई थी ना इरम के लिए? जी कल की अपॉइंटमेंट मिली है। मैं प्लास्टिक सर्जन से होता हुआ साइकेट्रिस्ट के पास जाऊंगा इरम के साथ। बस अभी आप दुआ करो मेरी बहन बिल्कुल ठीक हो। मेरी रूह पर बहुत बड़ा बोझ है। मेरी तो हम से यही दुआ बेटा, तुम दोनों ही ठीक हो जाओ। फरियाल आप यहाँ आके शान सर से अपनी ट्रॉफी ले। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ इस क्लास में दो बच्चे फर्स्ट आए हैं, पहली हमना मलिक और दूसरी फरियाल महमूद। तो आप खुश हैं, आपको कोई एतराज नहीं है? नहीं सर बिल्कुल नहीं, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप लोग प्लीज कंटिन्यू करें। थैंक यू। मरियम आप अपनी क्लास कंटिन्यू।